हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक साथ चुनिंदा फिल्में ही की हैं। इनमें आनंद और नमक हराम जैसी फिल्मों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। आनंद राजेश खन्ना ने तब की थी जब वो सुपरस्टार बन चुके थे और अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे। कहते हैं आनंद की शूटिंग के समय से ही राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं करते थे और राजेश खन्ना की ये नापसंदी और ईगो प्रॉब्लम समय के साथ और बढ़ती चली गई। फिल्म बावर्ची के शूटिंग के सेट पर तो राजेश खन्ना ने हद ही कर दी थी। यहाँ जया बच्चन को राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई थी। तब जया बच्चन ने भी राजेश खन्ना से साफ बता दिया था कि जिस इंसान से तुम इतनी नफरत करते हो और उसे एक्टिंग करने लायक नहीं समझते हो, देखना वही अमिताभ बच्चन एक दिन एक कामयाब सितारा बनेगा। और आगे हुआ भी ऐसा ही। राजेश खन्ना का करियर धीरे धीरे ढलने लगा और अमिताभ बच्चन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। एक पार्टी में जब मीडिया के कैमरे की चकाचौंध अमिताभ बच्चन की ओर चमकने लगी, तब राजेश खन्ना बिल्कुल अकेले हो गए। उस रात राजेश खन्ना वापस जब अपने बंगले पर आए, तब बंगले की छत पर जाकर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन तब तक एक नए सितारे का जन्म हो चुका था और वो सितारा कोई और नहीं, वो है सदी का महानायक अमिताभ बच्चन। फॉर मोर वीडियोस एंड बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरीज सब्सक्राइब प्राइम फ्लैशबैक वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट।